ख्वाजा बरादरान की पेशी एहतसाब अदालत की तरफ जाने वाले रास्ते बंद। रास्ते बंद होने के बाद एम्बुलेंस भी फंस गई। इस बारे में बताएंगे नुमान नूर। नुमान नूर बताइए इस हवाले से। नुमान नूर से भी जानने की कोशिश करेंगे। अभी आपको आगाह कर रहे हैं कि ख्वाजा बरादरान की आज पेशी है और एहतसाब अदालत की तरफ जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है, जिससे शहरी तो परेशान है, ट्रैफिक की रवानी मुतासर है, लेकिन अगर ये बात की जाए कि मरीजों को दुश्वारी है तो वो भी बेजाना होगा। और इसी बायस क्योंकि रास्ते बंद हैं, एम्बुलेंस को भी जगह ना मिल सकी। इस बारे में हमें बताएंगे नुमान नूर। नुमान नूर सुन पा रहे हैं तो बताइए। बिल्कुल, जो है आज ख्वाजा बरादरान की एहतसाब अदालत में पेशी है और इस हवाले से इंतजामिया की जानब से एहतसाब अदालत की तरफ जाने वाले जो रस्ते हैं उनको कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है और रस्ते बंद होने के बायस से जो शहरी हैं उनको मुश्किलात का सामना है। तलबा और तालबात जो इस मेन रोड के ऊपर जो है वो तकरीबन 10 से ज्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं, तो वहाँ पर जो आने वाले तलबा और तालबात हैं उनको भी मुश्किल का सामना है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो कंटेनर्स में अगर रस्ते बंद किए गए हैं उसकी वजह से जो एम्बुलेंसेज हैं अस्पतालों में जाने वाले जो मरीज हैं उनको भी मुश्किल का सामना है और फुटेज में देखा जा सकता है किस तरह से एम्बुलेंस वाले जो मरीज के जो के साथ घर वाले हैं वो यहाँ पर इंतजामिया की मिनतें कर रहे थे कि एक दफा कंटेनर को पीछे कर दें ताकि हम जो है अपने मरीज को अस्पताल लेके जा सके। तो इंतजामिया की तरफ से आगे से जो है वो ये इंतजामिया की जानिब से भी बेइज्जती का मुजाहरा किया गया है। नुमान नूर ये बताइए कि